नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट आई में आपका स्वागत है। आज हम सच की खोज में पहुंचे हैं, जो शायद आप तक मीडिया ने नहीं पहुंचाया। उस खबरों की सच्चाई जानने के लिए जो मीडिया ने आपको दिखाई, डेरा सच्चा सौदा पे बाबा राम रहीम जी के लिए, इन लोगों से विचार जानते हैं, इन लोगों का क्या कहना है। मैम, आपका नाम है? सुनीता जी। कहाँ से हो? दिल्ली जी। दिल्ली से हो। आपका क्या कहना है जो मीडिया ने दिखाया, डेरा सच्चा सौदा पे बाबा राम रहीम? बहुत ही झूठ दिखाया, बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए था, राहुल ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला है। इतना कोई बता नहीं सकता, इतना एक गुरु के लिए अपने देश में इतने कितने संत आए, पर ऐसा गुरु पहली बार देखा हमने जिंदगी में। ऐसा क्या कुछ किया है गुरुजी ने देश के लिए, समाज के लिए? देश के लिए तो गुरुजी ने अपनी जान तक लगा दी, बाजू सब कुछ लगा दिया, अपनी धन दौलत, अपना घर बार सब कुछ लगा दिया गुरुजी ने। तो इतना लगाया कोई सोच भी नहीं सकता, अपने परिवारों के लिए भी नहीं कर सकता वो सब कुछ, अपनी एक एक पल की नींद और चैन सब कुछ समाज के लिए सौंप दिया गुरुजी ने। तो इतना करा गुरुजी ने, कोई कर नहीं सकता कभी। और हमें 20 साल हो गए जाते जाते, आज तक हमने कभी कोई गलत काम नहीं देखा। एक एक महीने रह के आई हूँ मैं तो वहाँ पे, एक एक महीने रह के आई हूँ, कभी पत्ता तक नहीं हिलने दिया गुरु ने। इधर से उधर कोई लड़की, इधर से उधर कोई कुछ भी नहीं गलत देखा आज तक हमने कभी भी। खून दान वो करवाते हैं, आंखें दान वो करवाते हैं, शरीर दान वो करवाते हैं, और बेसाओं को अपनी बेटी बना के, और घर बार उन्हें सब कुछ अपनी बेटी बना के, घर बार गाड़ी वाड़ी सब कुछ दिया उन्हें, फुल सामान दिया। और जो विधवाएं उनकी शादी करना, और जो उन्हें घर नहीं मिले उन्हें घर दिया, बहुत ज़्यादा। आज तक मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में ऐसा कभी गुरु नहीं देखा, पहली बार देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा गुरु। देखिए ये किस आस्था से, किस भावना से और जोश से बता रहे हैं कि गुरुजी ने, बाबा राम रहीम जी ने समाज के लिए क्या कुछ किया। उन्होंने वेश्या तक को अपनी बेटी बनाया है और उनकी अच्छे घरों में शादी करवाई है, जिसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरह के कार्य डेरा सच्चा सौदा में किए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि ये भी डेरा सच्चा सौदा में जाते रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो मीडिया ने दिखाया। इनके अकॉर्डिंग मीडिया ने जो दिखाया बिल्कुल गलत, झूठ व बेबुनियादी। और आप क्या बताना चाहोगे कि समाज में अब गुरुजी नहीं है काफ़ी समय से, तो क्या अंतर आया इसमें? जहाँ देखो दंगे हो रहे, कहाँ देखो वहाँ पे लड़ाई हो रही, शराब पी जा रही है, बदमाशियाँ करी जा रही, सरेआम सब कुछ करा जा रहा है। कोई समाज को सुधारने वाला नहीं है। अब हमने ये देख लिया, नज़र उठा के कोई है ही नहीं है ना समाज की तरफ। जो गुरुजी थे, गिरोह को अपने सीने से लगाते थे, और जो शराब पी के पावले हो जाते थे उन्हें अपने सीने से लगाए, उनके बच्चों को अपने घर बार दिया, और सब कुछ करवाया गुरुजी ने। और आज तो बस ये देखना चाहती हैं आँखें, बस गुरुजी आ जाएं, और जो अंधे थे, बावले हो रहे थे, शराब पी के भिखारी थे, वो रो रहे हैं कि हमारी संभाल करने वाला कोई नहीं है दुनिया में। एक गुरु था, वो भी पता नहीं कैसे कैसे इंसान होते, वो अपना घर भी नहीं संभाल सकते, वो गुरुजी पे उंगली उठाई उन्होंने, उन पर लालत है। देखिए किस तरह से ये बता रहे हैं कि समाज में अब बुराइयाँ कितनी बढ़ती जा रही हैं। जो बाबा राम रहीम जी ने एक मुहिम चलाई हुई है समाज को सुधारने की, और कोई इंसान इनको नजर नहीं आ रहा जो समाज के लिए सोच रहा हो, जो समाज में बढ़ती बुराइयों को रोकने के लिए सोच रहा हो। और खबरें जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट टेक के साथ। देखते रहिए लोगों की सच्ची बात, और सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके क्या विचार हैं वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।